अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। और आज मैं बैठा हूँ वैलेता में, और इस टाइम वैलेता में ही हूँ मैं। और बस आप लोग का प्यार और मोहब्बत जो भी है, जैसा भी है, मैं उसका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और आज की वीडियो में यही बतलाएंगे कि क्यों वर्क परमिट लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। और जिन भाइयों ने अपना पासपोर्ट VFS में वीज़ा के लिए सबमिट करवाया हुआ फाइल, उनका क्यों लेट हो रहा है, आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। और आज थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला चलो आज आपसे बात कर लेते हैं। और मेरा लोकेशन अभी इस टाइम वैलेता में बैठा हूँ, तो आज यहाँ से बैठ के मैं आप लोगों को वीडियो बनाते हैं। और इस वजह से ज़्यादा हम लेट नहीं करेंगे और वीडियो को शॉर्टली बनाएंगे, और आप लोग शॉर्ट में ही आप लोग समझ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों लेट हो रहा है। सबसे पहले बात एक तो बता दूँ, मैं अभी मेरे बैग में है, मोबाइल में उसको छुप रखा हूँ। मेरे बैग में ब्लू पेपर है, मैं खुद आइडेंटी माल्टा विजिट किया हूँ, और मैं खुद आइडेंटी माल्टा के अंदर गया था जहाँ पहले 6 आदमी बैठते थे, 6 आदमियों का स्टाफ था वहाँ पर। इस टाइम जैसे काम चल रहा है आइडेंटी माल्टा के अंदर में, वहाँ पर मैक्सिमम 25 स्टाफ का कुर्सियाँ और केबिन बनाए जा रहे हैं अंदर में। और सबसे पहली बात एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इंसान अभी जो नया आ रहा होगा वो भी बतला सकते हैं, जो अभी माल्टा में आए हैं, जो फिंगर जिनका बायोमेट्रिक है, आइडेंटी माल्टा फाइल सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बता दूं, उनको तो ऑलरेडी पता होगा। बट आप लोग के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एक रोबोट जैसा मशीन खड़ा किया हुआ है आइडेंटी माल्टा में, सेम रोबोट जैसा है। जैसे आप सामने खड़े होंगे तो वो कैमरा ऑटोमेटिक सेटिंग होगा, वहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा और वहीं पर साइन होगा, और सिंपली सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे, आपका रेफरेंस नंबर डालेंगे, बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको बोलेंगे आपका ब्लू पेपर रेडी है, वहाँ पर एक काउंटर होगा, वहाँ पर आपको टोकन देंगे और काउंटर पर जाके साइन करके आप ब्लू पेपर ले लीजिएगा। मैं अंदर गया था, अंदर जाके मैंने देखा कि जो पहले इतना सा था आइडेंटी माल्टा का ऑफिस, आज वो इतना बड़ा हो गया है, आज वो इतना बड़ा से इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यही रीज़न है कि उसमें अभी इस टाइम स्टाफ बहुत कम है, शॉर्टली है। उसमें माल्टा आइडेंटी माल्टा में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, जिप्सन बोर्ड का, टाइल्स का, हर एक चीज़ का अंदर काम चल रहा है। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि इस टाइम लेट है और थोड़ा सा लेट काम हो रहा है, ठीक है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, किसी का जल्दी आ जा रहा है, किसी का लेट हो रहा है। मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत आदमी ने बोला 60 दिन हो गया, 65 दिन हो गया, किसी का तो 75 दिन भी हो गया, 70 दिन हो गया, हमारा अभी तक आया नहीं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा वेट करें, ना कि आप हड़बड़ाएं, ना कि कुछ भी। और जो हमारे भाई नए जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग देखें और थोड़ा सा केयर करें, उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। क्यों कि इस टाइम अब समर जा रहा है, धीरे धीरे सीजन ख़त्म हो रहा है माल्टा का, तो इस वजह से अप्लाई करने से पहले आप सोचें, समझें, फिर अप्लाई करें। क्योंकि इस टाइम आपको ये बता दूं कि वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन है, रिफ्यूजल बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो यही बोलूँगा कि पैसा ज़्यादा आप लोग मत नुकसान करें, अगर आपका बैकग्राउंड बजट ठीक है तो कोई मुश्किल की बात नहीं, आप अप्लाई करें वीज़ा के लिए। तो यही मैं आप लोग से बताना चाहता था इस वीडियो में कि लेट क्यों हो रहा है। लेट का रीज़न आप समझ सकते हैं, जब आइडेंटी माल्टा में काम चल रहा है, स्टाफ इतना नहीं है, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। और आइडेंटी माल्टा इस टाइम एकदम ऐसे इतना भीड़ है कि मैं आपसे क्या बता सकता हूँ, एकदम जाम है आइडेंटी माल्टा, और स्टाफ कम है, यही सब बात है। और यही आप लोग को इस वीडियो में बताना था शॉर्टली में कि क्यों लेट हो रहा है, क्या रीज़न है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग इंतज़ार करें। और पहली बात ये बोलूँ कि जब आपने पासपोर्ट जमा किया है VFS को और वो उन्होंने पहुँचा दिया एम्बेसी में, तो आपका पासपोर्ट कहीं जाने वाला नहीं है, ना आपका पासपोर्ट कोई रख सकता है, आपका पासपोर्ट लौट के आपके पास आएगा। अब उस पर क्या होता है कि अपना नसीब है, वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है, ये तो सबको पता है। और बाकी आप लोग इधर उधर की वीडियो बहुत देख रहे हो, तो और वीडियो पर ना जाएं, क्योंकि मैं खुद मैं विजिट करके आया हूँ आइडेंटी माल्टा में, और मेरे पास ब्लू पेपर है। मैंने लास्ट वीडियो को अपलोड किया था, वो डिलीट हो गया था, क्योंकि मैंने खुलिया में अपना ब्लू पेपर दिखाया था, उसमें अपना डॉक्यूमेंट दिखाया था, इस वजह से वो डिलीट हो गया था। तो इसमें बस मुझे यही बताना था आप लोग को, और बहुत जल्द वैकेंसियाँ लेके आऊँगा, थोड़ा इंतज़ार करें। क्योंकि हमारी कंपनी पहले दो पार्टनर थे, वो दो पार्टनर अलग अलग हो गए हैं, तो अभी वो लोग पार्टनर के आगे अलग अलग होने के बाद मेरी कंपनी रजिस्टर हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग करें कि जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगी तो वैकेंसी कैसे अवेलेबल आ सकती है और कैसे देगी वैकेंसी।
अगर वो देती भी है तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। मेरी कंपनी की भी वैकेंसी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हमें भी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है यार, मेरा कोई ऑफिस तो है, मैं खुद जॉब करता हूँ और जॉब करता हूँ, तो मेरी कंपनी जो मुझे वैकेंसी देती है मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। बट मैंने कंपनी से कुछ और भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक बार क्लियर हो जाए तो फिर मैं बताऊँगा आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या सिस्टम है उसका, पूरा प्रॉपर बात करेंगे। बट फिलहाल तो इस वीडियो में यही था, जो आदमी परेशान हुए हैं क्यों लेट हो रहा है, क्या वजह है, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया हो। और चलते चलते आपको ज़रूर बताऊँ, वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो आदमी परेशान है, जो माल्टा में आने वाले हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए वीडियो है, और प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और दुआओं में आप लोग याद करें और दुआ करें कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूं। और मेरे चैनल पर हमेशा कोई फेक बातें नहीं होती है, जो भी होगा लीगल होगा और लीगली तरीके से होगा, और जो रियलिटी होगा वही। और जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को लास्ट टाइम में कि देखो ड्राई प्रूफ लिए बंद है, ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो कार ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, चाहे स्कूटर ड्राइवर हो, चाहे मोटरसाइकिल ड्राइवर हो, उनके लिए रास्ता बंद, एकदम क्लोज, 100% क्लोज है एकदम। कोई भी अगर आदमी बोला अप्लाई करने के लिए, डिलीवरी बॉय में बोल रहा है, ड्राइवर में बोल रहा है, ड्राइवरी कोई भी लाइन हो, या चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे बस हो, चाहे दो चक्का हो, मत अप्लाई कीजिएगा, कोई फ़ायदा की बात नहीं, आपका पैसा नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। जो सच्चाई है वो है, ना कि कोई झूठ बात, ठीक है। चले बस यही बात करना था, दुआओं में याद रखें। आपका भाई इमाम हुसैन, अल्लाह हाफिज़।